सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्या को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कन्नौज सदर तहसील, छिबरा मऊ तहसील व तिरवा तहसील सहित तीनों तहसील परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे सदर विधायक, सपा विधायक अनिल दोहरे सहित सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं छिबरा मऊ तहसील परिसर में पूर्व विधायक अरविंद यादव व पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी व ताल ग्राम चेयरमैन दिनेश सिंह यादव मौजूदगी में प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी मांगों को लेकर पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव, पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी की ताला ग्राम चेयरमैन दिनेश यादव की मौजूदगी में छिबरा मऊ तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी देवेश कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सदर SDM गौरव शुक्ला ने बताया कि सपा विधायक अनिल दोहरे को कोरोना प्रोटोकॉल न तोड़ने के लिए बोला गया था, लेकिन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा। इस कारण तहसील परिसर में प्रदर्शनकारी लोगों को पुलिस की सहायता से हटाया गया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान सपा नेताओं की पुलिस से जमकर झड़प हुई। सपा नेताओं का आरोप था कि पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने से रोका। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सपा कार्यकर्ताओं को गोपनीय जगह रखा है। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। विधायक जी, कहाँ पर आपने प्रदर्शन किया, क्या बात? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर केंद्र की और प्रदेश की सरकार जन विरोधी काम कर रही है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये आंदोलन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश के तहसीलों में, और ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, उद्योगपतियों के विरोधी सरकार है, व्यापारियों के विरोधी सरकार है। ये सरकार सभी के विरोध में काम कर रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज मजदूरों के साथ खड़ी हुई है, किसानों के साथ खड़ी हुई है, प्रदेश के हर नौजवान के साथ खड़ी हुई है। आज पूरे प्रदेश का और देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। ये काला कानून जो केंद्र की सरकार लाई है, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। इसीलिए आज हमारी सरकार के आह्वान पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, आज पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता तहसीलों में धरना प्रदर्शन कर रहा है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, छात्र हो, हर किसी के साथ समाजवादी पार्टी आज कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। और ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उखाड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश हुआ कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, जो किसान हत्या कर रहा है, तमाम बलात्कार हो रहे हैं, कोरोना काल में तमाम लोग परेशान हो गए, गरीबी में लोग मर गए, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। हम समाजवादियों ने जितना हो सकता था मदद की। इसके बाद हम लोगों को आदेश हुआ, आज हम धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। धरना प्रदर्शन करने के बाद राज्यपाल महोदय जी के को SDM साहब के द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। और आज जो नौजवान परेशान है, आत्महत्या करने को तैयार है, उनके माँ बाप पढ़ा के जब तैयार करते हैं बेटे को, तो ये उम्मीद होती है कि बेटा हमारा पढ़ के एक नौकरी पाएगा, घर का परिवार चलाएगा। लेकिन ये जो किसान मर रहे हैं और जो लोग किसानों को मार रहे हैं, उनकी अर्थी है। और हम लोग इस सरकार के खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, छात्रों को उनका हक नहीं मिला। इस सरकार ने नौजवानों को संविदा पे रखने की नौबत पे ला दिया और इतने झूठे वादे किए, दूसरे दिन पलट के बयान दे दिया कि हम लोगों को संविदा हटा रहे। कैसे भरोसा कर ले? 15 लाख का भी तो वादा किया था, जब ये कर देंगे तो हम भरोसा कर लेंगे, जब तक नहीं करेंगे हम समाजवादी लोग आंदोलन करते रहेंगे। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, हम उस पर सभी लोग एकजुट होकर, सभी समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे। कार्यकर्ता तहसील में प्रदर्शन कर रहे थे, किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? देखिए,
यहाँ पर जो कोविड कोरोना प्रोटोकॉल है उनके द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके संबंध में जो आवेदक श्री अनिल दोहरे जी विधायक जी हैं उनको बुलाकर समझाया गया, उनको चेतावनी भी दी गई कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराइए, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर ज्ञापन का कार्यक्रम की के लिए अलाउ किया जा सकता है। लेकिन वो बार बार चेतावनी के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए यहाँ से उनको इस स्थान से हटाना पड़ा है। सर, क्या गिरफ्तारी की गई है उन लोगों की? नहीं, इस स्थान से हटा के उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ ही वो काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे और वो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि नहीं होने दिया जा सकता। आज जिस तरह समाजवादी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन और रैली निकाली गई, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया, क्या कह रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो उन लोगों को अवगत भी करा दिया गया था और ये चीज़ उनका पालन करना चाहिए था, फिर भी जो है जहाँ पर इनका ज्ञापन देना था वहाँ पर उसका डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। रास्ते में जुलूस और ये भीड़ में माफ किए थे लोग, तो उसका जो है वो पुलिस को बता दिया गया है अपना कार्रवाई करें। जिस तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने अर्थी लाए थे उसका क्या कहते हैं? यहाँ तहसील और तहसील परिसर के दोनों तरफ दो दो मजिस्ट्रेट लगे थे, यहाँ कुछ नहीं आया था। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील परिसर के अंदर अर्थी लेकर आए थे, तहसील पुलिस ने छीनी है। तहसील परिसर के अंदर अर्थी नहीं था, तहसील परिसर के अंदर डंडा था उनका, वो कपड़ा था उसको भी पुलिस ने छीन लिया था, उसका अर्थी का शक्ल नहीं था, ना अर्थी थी। सर, मांगे क्या थी? मांगे ज्ञापन में दिए हैं।